दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन आज कल. एंड ये जितनी लड़कियाँ होती हैं, मुझे इतनी नफरत होती है जो लड़कियाँ ये हरकतें करती हैं कि लड़ाई दोनों में होती है, बेस्ट फ्रेंड को जाकर बोलेंगे समझाए. तो बेसिकली मुझे जो लगता है दैट आपकी जो भी फीमेल फ्रेंड्स हैं, दे शुड बी अवे फ्रॉम योर हस्बैंड एंड दे शुड नॉट इवन हैव नंबर्स. मतलब आपके मियाँ को क्यों चाहिए उसका नंबर? आप उसके सारे दोस्तों का नंबर रखती हैं? नहीं ना. एंड अनदर थिंग इज दैट कुछ ऐसी चीज़ें होती है, आप एक प्रोफेशनल से मदद मांग लो, स्पेशली इन व्हाट यू कॉल शादी में. माँ बाप, फैमिली, दोस्त, ये सब अपनों से इंसान को दुख मिलता है. सो आई थिंक गो फॉर प्रोफेशनल, वहाँ वेंट आउट करो, वो ज़्यादा बेहतर होता है. आप दोस्तों को अपनी मैरिज लाइफ के बारे में बता रहे हो, मे बी शी इज़ नॉट हैप्पीली मैरिड, मे बी शी इज़ जेलस ऑफ हाउ यू बोथ आर. कुछ लोग होते हैं जिनके पास पैसा, खूबसूरती, सब कुछ होता है लेकिन नसीब प्यार में नहीं होता. और कुछ लोग होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता लेकिन माशाल्लाह अल्लाह उनको इतना मजबूत प्यार देता है. वैसे हमेशा लेडी डायना को सोचती हूं कि कितनी खूबसूरत, अभी भी लोग उससे मोहब्बत करते हैं, उससे कभी नहीं मिले. मैं आजकल तो मैं जेनिफर लोपेज़ को भी देख रही हूँ, चाहे जो मर्जी, लेकिन आपको यार ये दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन खातून है, लेकिन वैसे नसीब नहीं होती मोहब्बत. ऐश्वर्या राय पर चीट हो सकता है तो किसी पर भी चीट हो सकता है भाई. बात बिल्कुल सही है, बात है. अच्छा, मैं एक और मेरे केस है, मैं जल्दी से इन साथियों से बात भी कर ली, वक्त बड़ा मुख्तसर है साथिया, तो मुझे आप बताइएगा कि आप. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सादिया है और मेरा भी फ्रेंड का ही मसला है. मेरी एक दोस्त थी, बहुत क्लोज थी मेरे, बहुत मतलब हमारा आना जाना था, मिलना जुलना था, और सबसे बढ़ के मेरी बहुत केयर करती थी, बहुत मोहब्बत करती थी मेरे घर वालों की, सब की. मेरा भाई थे, एक इकलौते थे, हम तीन बहनें थी. तो मैंने अपनी मदर से यही कहा कि ये बहुत अच्छी हैं, बहुत नाइस हैं, हम सबका ख्याल रखती हैं, तो हमें जोड़, हाँ बस हमें जोड़ के रखेंगी, आपस में मोहब्बत करेंगी, प्यार करेंगी. तो आपको पता है फैमिली में भी ऊंच नीच हो जाती है, बहनों के साथ भी हो जाती है, माँ के साथ भी हो जाती है. तो मैं हर चीज़ उससे डिस्कस करती थी, अपनी, अपने घर की, अपने माँ की, अपनी बहनों की. तो ऐसे ही कर करके पहले तो मेरी वालदा ने इस चीज़ की मुखालफत की, लेकिन मैंने सबसे लड़ झगड़ के अपने भाई को, क्योंकि एज डिफरेंस नहीं था, मेरे भाई और वो सेम ही एज के थे, लेकिन मैंने सबसे उनकी मुखालफत लेके मैंने उनको अपनी भाभी बनाया, यही सोचते हुए कि ये जोड़े रखेंगी हम सब बहनों को, मोहब्बत करेंगी, प्यार करेंगी. बताएं मुझे. जी भाई उनके साथ ही हैं. उनके साथ उनके साथ ही हैं जाहिर है, लेकिन वो दोस्त बन के तो वो बिल्कुल चेंज हो गई. नहीं, दोस्त नहीं. माँ आपका वैसे आप लोगों को साथ रखती है? इंटैक्ट नहीं, बिल्कुल भी नहीं. बल्कि उन्होंने तो आके यूँ समझ लें कि इतना खिलाफ कर दिया कि बल्कि उस घर से मैं ही निकल गई. यहाँ तक कि आना जाना बहनों का जो भी था, मतलब हर किसी को दूर कर दिया. अब मेरे पेरेंट्स भी डरते हैं कि कोई ऐसी बात ना हो जाए, घर का माहौल ख़राब ना हो जाए, या कोई भी इस तरह की चीज़ ना हो जाए. तो अब वो ब्लेम किसका, सब मेरे पर ही आता है. जाहिर बात है मैं लेकर आई थी कि मैंने ही करवाया था. कि वो दोस्त जो इतनी मोहब्बत करती थी, इतनी केयर करती थी, वो बदल गई. उसने कैसे कर दिया ये? वाकई पर कभी लोग इसलिए कहते हैं कि जी दोस्तों के साथ ना दोस्तियाँ ख़राब हो जाएंगी, ना दोस्तों को उधार दें, ना दोस्तों के साथ बिजनेस करें, ना दोस्तों में रिश्तेदारी करें. क्योंकि अगर कोई रिश्ते में ऊँच नीच होती है ना, तो फिर सिर्फ ये नहीं कि वो रिश्ता ख़त्म होता है, बल्कि एक अच्छा दोस्त भी जो है वो आपके हाथ से निकल जाता है. अच्छा, मैं फिजान आपका भी इससे टेक लेना चाहूँगी, जो हमारी बहन के साथ हुआ, जो खतीजा, जो उस पर भी आपको टेक लेना चाहूँगी, और मैं इस पर भी आपका टेक लेना चाहूँगी. मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, हम ये बात तो कर रहे हैं कि दोस्त जो है वो उसने ये कर दिया, उसने कर दिया, लेकिन मुझे दोनों केसेस में ऐसा लगता है कि जैसे उनके बहन ने कहा कि मुझे लगता है उनके शोहर की बहुत बड़ी गलती है, उनकी दोस्त की तो है ही. हाँ. इनके मामले में इनकी दोस्त की गलती है, लेकिन इनके भाई की भी गलती है. तो हमारे जो रिश्ते हैं ना करीब वाले, उनको इस बात का रियलाइज करना. मैं हमेशा दूसरे पर्सपेक्टिव को हमेशा देखता हूँ कि दिस ऑलवेज अ सेकंड साइड ऑफ द कॉइन एज वेल. कि शायद आपके हस्बैंड, अगर आप अब ये सोच के लगता हो कि मेरी दोस्त नहीं आती तो शायद ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है. बिकॉज ये चीज, ये जरासीम थे. तो अगर आपकी दोस्त आ गई तो वो वैसा हो गया, वरना शायद किसी और के साथ हो जाता. सेम गोज़ फॉर यू. मतलब अगर आपके भाई ने ये बात रियलाइज़ नहीं की कि मेरी बहनें या मेरी वालदा की क्या हैसियत है, तो वो आपकी दोस्त की उतनी गलती नहीं है मेरे हिसाब से. आपके भाई की भी इक्वल गलती है. उनको इस बात को रियलाइज़ करना चाहिए कि मेरी बहनें या मेरी माँ मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं. और ये होता है हमारे यहाँ कि हम, अगर वो आपको ब्लेम कर रहे हैं ना इस वक्त आपके घर वाले, तो वो गलत कर रहे हैं. कि आपने तो भलाई में उनकी शादी करवाई होगी, आपने तो भलाई ये थोड़ी सोचा होगा कि कभी ऐसा हो जाएगा. हाँ.
और जरूरी नहीं कि एक अच्छा दोस्त है तो वो दूसरे रिश्तों में भी अच्छा होगा। बिल्कुल ये मैं बताऊं आपको, बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो अपने घर में एक अच्छा बेटा होगा, बेशक, या वो कहीं शादी करेगा तो वो एक अच्छा हस्बैंड होगा। मेरा दोस्त बहुत अच्छा, इसको पायलट बना दे। नहीं भाई, ये अल्हम्दुलिल्लाह, लाइक यू सेड के टच वुड, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन वेरी लकी कि जब मैंने रेहान के लिए वाउच किया ना तो मेरे घर वालों ने कहा कि तुम तो लग रहे हो उसके भाई हो। मैंने कहा बिकॉज मैंने उसके साथ ट्रैवल किया है, मैंने उसके साथ वक्त गुजारा है, मैं उसको इनसाइड आउट जानता हूँ। मैंने जब ट्रैवल किया, मैंने उसके साथ रूम भी शेयर किया है, तो उसमें आपको अंदाजा हो जाता है कि बंदा कैसा है। एग्जैक्टली, तो अब जब कभी ऐसा होता है, आपकी भी एक ही बहन है ना, और कभी ऐसा होता है ना कि राबिया और उसके जाहिर सी बात है मियां बीवी में होता है, मैं रेहान के लिए वाउच करता हूँ तो मेरे घर वाले कहते हैं तुम रेहान के लिए क्यों खड़े हो जाते हो, या इवन राबिया कहती है आपको रेहान से बहुत प्यार है। मैं कहता हूँ भाई क्योंकि मैं जानता हूँ और मैं उस पर्सपेक्टिव से सोचता हूँ, मैं उसको दोस्त नहीं समझता, फिर मैं हस्बैंड की तरह देखता हूँ कि अगर हस्बैंड है वो कुछ कह रहा है तो उसका कोई पर्सपेक्टिव होगा। तो ये हम लोग बड़ा गलत करते हैं कि हम दोस्तों को ब्लेम कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन अपने खूटे को नहीं देख रहे, वो भी कमजोर था। तो अगर अगर आपकी दोस्त ने कुछ किया गलत किया, आई एम श्योर, लेकिन अपना सिक्का भी तो खोटा नहीं किया ना। आपके हस्बैंड में वो जरासीम थे तो वो अगर वहाँ नहीं होता तो कहीं और हो जाता, अनफॉर्चुनेटली। दिस इज सो सैड, और हमारे आसपास ऐसे देखते भी हैं। अच्छा, मैं जरा आखिर में बिल्कुल जानना चाहूंगी, अगर मैं आपसे पूछूँ कि वजाहत आपके गिनती के कितने दोस्त हैं तो वो गिनती भी बता सकते हैं मुझे? जब आपने मतीरा से सवाल किया था तो मैं उसे गिनना शुरू हो गया था, तो मुझे कुछ मिला नहीं इत्तेफाक से। बस मैं ये कह सकता हूँ दो दोस्त हैं मेरे जो मेरे बुरे वक्त में मेरे काम आए बाकायदा, बस वही मेरे दोस्त हैं, बाकी ये जितनी पार्टी चल रही है बस ये सब फारिग है। अनफॉर्चुनेट, ये लोग आएंगे मस्ती करेंगे जाएंगे, लेकिन वो दोस्त वही है जो बुरे वक्त जो आपके साथ बैठे। वजान कितने? चार दोस्त हैं जो दोस्त हैं, जो मैटर नहीं करता कि मेरे क्या हालात हैं, मैटर नहीं करता उनके क्या हालात हैं, मैटर नहीं करता किस मुल्क में किस शहर में, बस मैटर ये करता है कि वही वाली बात कि 6 महीने बाद भी बात हो गई ना तो सॉर्टेड है। मतीरा 4 to 5। नबीहा आपके कितने दोस्त हैं ये बताएं? मुझे तो लगता है एक भी नहीं होगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे लगता है एक भी नहीं होगा। बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक जज किया है, कोई एक भी दोस्त नहीं है। हाँ, दुश्मन बहुत सारे हैं और मुझे इस पर प्राउड फील होता है। कहते हैं ना कि मौला अली फरमाते हैं कि अगर हक को पहचान नहीं सकते ना तो देखो कि बातिल के तीर जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, बस वही हक है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अच्छा। इस बात पे मेरा फोकस है कि मेरे दुश्मन बहुत हैं। अच्छा, और इमाम मुत्तकियान का एक और कॉल भी है कि अगर वो कोई शख्स ये कहे कि सब मेरे दोस्त हैं उससे बड़ा मुनाफिक कोई नहीं है। जो बिल्कुल है, तो यहाँ पे भी देखने की जरूरत है। आजकल हमारे आसपास मुनाफिकों के डेरे हैं। एक यहाँ पे सालगिरह की पार्टी होती है, यहाँ पे डिनर थ्रो होता है, उसमें तो 100-100 लोग आते हैं, ऐसे ही है। वो तो सब बता गए हैं। वो तो सब बता, बात बिल्कुल सही, वो तो सब बता रहे हैं। हम नहीं पढ़ते, हमारी कोताही है, हमारी आंखें खुलनी चाहिए। आप सबका बहुत शुक्रिया। और जहाँ मैं रोज ये दुआ करती हूँ कि शायद अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे, तो आज ये भी दुआ दूंगी कि अल्लाह पाक आपको नसीबों से अच्छा दोस्त मिलाए, एक ऐसा दोस्त जो आपके गम में आपके साथ खड़ा रहे। खुशी में तो सब आ जाते हैं, जो गम में आपके साथ। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी जिंदगी। तो अल्लाह हाफिज़।